सैमसंग ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 को कल रिलीज कर दिया है। अगर आप इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें सैमसंग कंपनी के प्रीमियम स्मार्टफोन की, तो सैमसंग कंपनी अपने दो प्रीमियम स्मार्टफोन को मार्केट में रिलीज करती है। पहला है सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज। जो एस सीरीज है ये रिलीज होता है साल की स्टार्टिंग में, और जो ये नोट सीरीज का स्मार्टफोन होता है ये होता है हमेशा अगस्त या सितंबर के महीने में। अगर बात करें हम स्मार्टफोन में फीचर्स की, यानी सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के फीचर्स की, तो इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगी 6.2 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, जिसमें आपको बैक पैनल में ड्यूल कैमरा मिलते हैं, जिसमें एक आपको टेलीफोटो लेंस का कैमरा मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें बैक पैनल में हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, उसके नीचे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अगर हम बात करें इसमें आपको इसमें साइड में पावर अनलॉक का बटन मिलता है, साथ ही इसमें वॉल्यूम लॉक का बटन मिलता है, और उसके बगल में आपको एक बिक्स बी बटन मिलता है, जिसके जरिए आप इसमें बिक्स बी को अनेबल कर सकते हैं। और इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात है इसमें दिया गया एस पेन, इस एस पेन के जरिए आप इस स्मार्टफोन को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको वीडियो पोज करना है, प्ले करना है, फोटो खींचनी है, क्या करना है, वो सारे काम आप इसमें दिए गए एस पेन के जरिए कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसमें आपको यूएसबी पोर्ट की, तो इसमें आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलेगा, ये आपको वाटरप्रूफ, और साथ ही साथ ये आपको फास्ट चार्जिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट के देता है। और साथ ही साथ इसमें आपको एडियो जैक 3.5 mm का एडियो जैक भी साथ मिल जाता है। कई महंगे स्मार्टफोन होते हैं जिनमें ये पोर्ट आपको नहीं मिलता, जैसे कि आईफोन की बात करें उसमें आपको एडियो जैक नहीं मिलता, मगर आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में एक अलग से एडियो जैक मिल जाता है। और अगर हम बात करें इसमें हार्ड डिस्क की, तो ये आपको कई अलग वेरियंट मिलने वाला है, जैसे कि आपको ये 125 GB से लेकर 512 GB तक की स्टोरेज मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसमें आप 512 GB का एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, यानी आप इसमें टोटल मिलाकर आप इसमें मेमोरी कार्ड लगाते हैं, और इसमें आपको जो इंटरनल स्टोरेज वो आप स्मार्टफोन लेते हैं 512 GB का, तो आपके स्मार्टफोन में टोटल अवेलेबल स्टोरेज हो जाएगा 1 TB, यानी आपके पॉकेट में टोटल 1 TB स्टोरेज होगा। और साथ ही साथ इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें, इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरे में आपको इसमें आप फोन को अनलॉक करने का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि कई सस्ते स्मार्टफोन में भी आता है आजकल, उनमें आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो आपको फेस अनलॉक की जगह काम करेगा, इसमें कोई हार्डवेयर नहीं दिया गया। और इसमें इस फेस अनलॉक और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए इसमें आपको IRS स्कैनर को ऑप्शन दिया गया, यानी ये आपके रेटिना को स्कैन करता है, उसके बाद इस फोन को अनलॉक किया जाता है। और इसमें आपको कई सारे और फीचर मिल जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें इसमें आपको सिम स्लॉट की, तो आप इसमें 2 SIM लगा सकते हैं, मगर इंडिया में जो मिलेगा उसके अंदर आप सिर्फ 2 SIM लगा सकते हैं, या फिर 1 SIM या फिर 1 MB। और अगर हम बात करें इसमें प्रोसेसर की, तो आपको इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, मगर जो इंडिया में रिलीज होने वाला है उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर नहीं मिलेगा। इसमें आपको 6 GB गेम मिलेगी। मैं तो आप बता सकते हैं नोट 9 में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, और ये आपको मार्केट में कब तक मिल जाएगा, और उसकी प्राइस क्या होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।